हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है क्योंकि हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक कॉन्टेस्ट। ये कॉन्टेस्ट है कुकपैड इंडिया और रेसिपियाना की तरफ से। कुकपैड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी रेसिपी को शेयर कर सकते हैं और दूसरों की रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आपको अपनी फेवरेट डेजर्ट रेसिपी को cookpad.com पर जाकर सबमिट करना होगा। आप इसे इंग्लिश या हिंदी में भी सबमिट कर सकते हैं और जब भी आप इसे सबमिट कर रहे हो तो #recipeana लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि तभी आप इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। ये कॉन्टेस्ट चलने वाला है एक महीने तक, यानी 28 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक। तो आप इसमें एक से ज्यादा रेसिपी को शेयर कर सकते हैं। #recipeana लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और टॉप 3 लकी विनर्स को मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस। इस कॉन्टेस्ट की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो देर मत कीजिए, इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए। आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं चेकरबोर्ड केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये देखने में जितना खूबसूरत है खाने में उतना ही यमी है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है और इस बार आप भी चेकरबोर्ड केक को अपने घर पर ज़रूर बनाएंगे। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। आज इस केक को हम कढ़ाई में बनाएंगे। आप कुकर, भगोने या अवन में बना सकते हैं। तो मैंने कढ़ाई में स्टैंड रखा है और इसे ढक कर गर्म होने देते हैं लगभग 10 मिनट तक। अब मैंने केक टिन लिया है। इस केक को बनाने के लिए गोल केक टिन ही चाहिए, आप चाहें तो भगोने का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं, इसके बाद आप इसमें बटर पेपर लगा सकते हैं। यहाँ हम मैदे से डस्टिंग करेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसे निकाल देंगे। तो अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप भगोना यूज कर सकते हैं, आप स्टील या एल्युमिनियम का भगोना यूज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे से ऑयल लगाना है और उसके बाद मैदा लगाना है। तो यहाँ जो केक टिन है ये बिल्कुल तैयार है। अब मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाला है, 1/2 कप दही डाल रहे हैं, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, 1/2 कप पिसी हुई चीनी डालेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज हम दो केक बनाएंगे, यानी एक चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाएंगे और एक वेनिला फ्लेवर का केक बनाएंगे। तो मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 चम्मच हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। तो इन तीनों चीज़ों को हम छान कर डाल देते हैं बाउल में। इसमें हम 1 चम्मच वेनिला एसेंस डाल रहे हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। सबसे पहले हम वेनिला स्पॉन्ज केक बना रहे हैं और उसके बाद हम चॉकलेट केक बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल रहे हैं और अच्छे से मिला रहे हैं। यहाँ मैंने 1/2 कप दूध का यूज़ किया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाला है, यानी सिरका डाला है, और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमें केक टिन में डालना है और इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम स्पॉन्ज केक बना रहे हैं। तो इसे मैंने केक टिन में डाला है। इसे आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, 180 डिग्री पर लगभग 25-30 मिनट लगेगा। तो अब मैंने केक टिन को टैप कर दिया है और इसे हम कढ़ाई में रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करेंगे, लगभग 35-40 मिनट लगेगा। बीच में आप इसे एक बार चेक भी कर लें। तो हम आपको बता देते हैं कि आप रेसिपी को किस तरह सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको cookpad.com पर जाना पड़ेगा या आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आप रेसिपी पोस्ट करना चाहते हो। क्रिएट रेसिपी पर जाएं, फेसबुक या गूगल से लॉग इन हो और उसके बाद आपको फोटो लगाना है, टाइटल लिखना है, इंग्रेडिएंट स्टेप बाय स्टेप रेसिपी लिखनी है, #recipeana लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सेव का बटन प्रेस करें, उसके बाद इसे पब्लिश कर दें। इस तरह आपकी रेसिपी पब्लिश हो जाएगी। हाँ, लगभग 35-40 मिनट हो चुका है। केक का कलर बहुत ही अच्छा आया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुआ है कि नहीं। केक अच्छे से बेक हो गया है, यानी पक गया है, तो इसे निकाल लेंगे। केक को मैंने थोड़ी देर ठंडा कर लिया है, अब इसे हमें केक टिन से निकालना है और इसे हम कूलिंग रैक पर रख देंगे। और इसके बाद हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। हमें चॉकलेट केक भी सेम इसी साइज का बनाना है, तो इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए और बना लेते हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक भी हम सेम बनाएंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, दही लिया है, साथ में पिसी हुई चीनी लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमें मैदा कोकोआ पाउडर को छान कर डालना है। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा में से 2 बड़े चम्मच मैदा निकाल दिया है और ये लगभग 100 ग्राम मैदा है और इसमें हम कोकोआ पाउडर डाल रहे हैं 3 बड़े चम्मच, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम सभी चीज़ों को छान कर बाउल में डाल देते हैं।
एक चम्मच वेनिला एसेंस भी डाला है और अब हम सभी चीजों को मिलाएंगे। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, तो यहाँ मैंने आधा कप दूध यूज किया है और अच्छे से मिलाते हुए एक बैटर बना लेते हैं। इसमें हम एक बड़ा चम्मच विनेगर भी डालेंगे। एक बार फिर से मिलाया है, अब इसे हम केक टिन में डालेंगे। और जैसे मैंने केक को बेक किया है, आप इसे कढ़ाई में बेक कर सकते हैं, नहीं तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, सेम वैसे ही इस केक को भी हम बेक कर लेंगे। तो इसे मैंने टैप कर दिया है और इसे हम बेक कर लेते हैं। वेनिला स्पॉन्ज केक और चॉकलेट स्पॉन्ज केक तैयार है। अब हमें बनाना है चेकर बोर्ड केक, जिसके लिए हमें केक को लेयर में काटना होगा। तो यहाँ हम इसके दो लेयर कर रहे हैं और ऊपर से इसे बिल्कुल भी नहीं काट रहे हैं, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। तो कुछ इस तरह हम केक को काट लेते हैं। इसी तरह हम चॉकलेट केक को भी काटेंगे दो लेयर में। अब हमें केक को कुछ इस तरह काटना है जिससे इसके रिंग बन जाए। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ली है और एक छोटा सा ढक्कन लिया है, क्योंकि एक बड़ा रिंग बनाएंगे और उसके बाद छोटा रिंग बनाएंगे। तो मैंने कटोरी को बीच में रखा है और इस तरह यानी चाकू के हेल्प से इसे काट लेते हैं। आप कोई भी कटोरी यूज कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि जो रिंग बन रहे हैं वो एक ही जो मोटाई होती है उसकी सेम होनी चाहिए। आप चाहे तो कटर का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पेपर को काट लें गोल और उसके हेल्प से भी इसे काट सकते हैं। ये देखिए एक रिंग बनकर तैयार है। इसी तरह हम छोटे ढक्कन को यूज करते हुए एक छोटी रिंग बना लेते हैं। मैंने चॉकलेट केक के रिंग बना लिए हैं, साथ में वेनिला जो केक है उसे भी इसी तरह हम काट लेंगे और अलग अलग रिंग बना लेंगे। अब हमें सभी केक के रिंग को सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट केक लिया है, फिर वेनिला केक का रिंग लगाया है और बीच में चॉकलेट केक लगा रहे हैं। इसी तरह वेनिला केक को सेट करेंगे, वेनिला केक का सबसे बड़ा वाला रिंग लेंगे, बीच में चॉकलेट लगाएंगे और दम बीचों बीच फिर से वेनिला केक लगा देंगे। तो इसी तरह हम सभी रिंग को सेट कर लेते हैं। इसी के साथ हम बना लेते हैं चॉकलेट गनाज, जिसके लिए मैंने 150 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और इसे हम डबल बॉयलर के मेथड से मेल्ट कर रहे हैं। चॉकलेट मेल्ट हो गई है तो इसमें हम डाल रहे हैं आधा कप में मैंने दूध भी लिया है और फ्रेश क्रीम ली है, यानी 1/4 कप मैंने दूध और 1/4 कप फ्रेश क्रीम, और इसे डालकर मैंने अच्छे से मिला लिया है। और ये देखिए चॉकलेट गनाज बनकर तैयार है। चॉकलेट गनाज हल्की सी ठंडी हो गई है, आप चाहें तो इसे भी लगा सकते हैं और केक को अच्छे से सेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो हैवी विप क्रीम आती है उसे अच्छे से बीट कर लें और विप क्रीम बना लें और इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ विप क्रीम लगा रहे हैं। अगर आपके पास विप क्रीम नहीं है तो आप चॉकलेट गनाज भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही पतली लेयर लगाना है, बस हल्का सा लगाना है जिससे केक अच्छे से सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम केक की सेकेंड लेयर रख रहे हैं। नीचे मैंने वेनिला स्पॉन्ज केक का जो रिंग का लेयर है उसे रखा है और उसके ऊपर चॉकलेट रखा है, और फिर से हम इसके ऊपर बहुत ही पतली लेयर विप क्रीम की लगाएंगे। आप चाहें तो गनाश का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैंने वेनिला स्पॉन्ज केक का जो रिंग का लेयर है उसे रखा है, बीच में चॉकलेट है आप देख सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ी सी विप क्रीम लगाकर चौथी लेयर को भी अच्छे से सेट कर दिए हैं, और अब हम साइड में थोड़ा सा विप क्रीम लगा रहे हैं। अगर आपके केक में गैप नहीं है तो आप विप क्रीम ना लगाएं, यहाँ हल्का सा गैप है तो हमने विप क्रीम लगाकर केक को अच्छे से सेट कर लिया है। और अब हमें इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालना है। तो मैंने केक को जाली पर रखा है और नीचे प्लेट रखा है, जिससे जो एक्स्ट्रा गनाश होगा वो नीचे प्लेट में गिर जाएगा। तो यहाँ हम गनाश को ऊपर से डाल रहे हैं और प्लेट को भी बीच बीच में हिलाते रहेंगे जिससे चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। केक अच्छे से कवर हो गया है गनाश से, अब हमें थोड़ी देर इसे इसी तरह छोड़ देना है जिससे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश है वो नीचे आ जाएगी प्लेट में और ये केक बिल्कुल सेट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे फ्रिज में रखें। तो यहाँ हम सबसे पहले इसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं केक बोर्ड पर, आप चाहें तो इसे प्लेट पर भी रख सकते हैं। तो दो चाकू का यूज़ करके आप इस तरह केक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बोर्ड या प्लेट पर। तो बहुत ही संभाल कर इसे उठाएँ और उसके बाद इसे आप बोर्ड पर रख दें। केक को आप किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी का यूज़ किया है क्योंकि इस समय स्ट्रॉबेरी का सीज़न है। आप फ्रेश फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे कलरफुल स्प्रिंकल से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये केक बिल्कुल तैयार है। इस केक को हम 3 से 4 घंटा फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसे काटेंगे। तो लगभग 4 घंटे हो गए हैं, अब हम आपको केक को काट कर दिखाते हैं।
केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है कि आपको ये चेकरबोर्ड केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और इस बार आप भी अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना बिल्कुल ना भूलें। अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को वहाँ जाकर सबमिट करें, जिससे आपके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं और आप जीत सकते हैं बहुत ही ढेर सारे प्राइजेस। तो एक बार फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।